Hello student, today we see the next topic, that is time response specification or transient response specification. Okay, this is very important topic for exam point of view. So see, this is the diagram of time response specification or transient response specification. Okay, so see, in this there are six different parameters that we have to study or that we have to see. Okay, first parameter, it is the delay time. Delay time, it is denoted as a TP. Okay, delay time, that is denoted as a TP. Then what is the definition? Definition is that it is defined as the time required for the response to reach 50% of the final value in the first attempt. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी क्या है डिले टाइम है, सॉरी डिले टाइम है, ये आपका जो है टी डी, दैट इज द डिले टाइम, ये क्या हो रहा है 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प पे क्या हो रहा है, रीच हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द डिले टाइम. ओके, इसका जो फॉर्मूला है हम लोग जब नोट्स फॉर्म में देखेंगे तब देखेंगे, दैट इज टी डी इज इक्वल्स टू 1 + 0.72 / Wn. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, दैट इज द राइज टाइम, दैट इज टी आर. ओके, राइज टाइम, दैट इज द टी आर. There are two basic definition in that. The first is for overdamped system and second it is for underdamped system. Okay, so see, TR, that is the rise time. First, overdamped system definition is that it is defined as the time required for the response to rise from 10% to 90% to the final value in the first attempt. Okay, 10 to 90% जो value अपनी क्या हो रही है, rise हो रही है in first attempt में, हम उसको क्या बोलते हैं, that is the for overdamped system. Okay, अभी underdamped system किसको बोलेंगे, it is defined as the time required for the response to rise from 0 to 100% फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, अंडर डैम किसको बोलूंगी, जहाँ पे 0 to 100% क्या हो रहा है अपना राइज टाइम, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 to 100%, उसको हम बोलेंगे फॉर अंडर डैम सिस्टम. ओके, उसका फॉर्मूला भी हम लोग नोट्स फॉर्म में देखने वाले हैं, दैट इज टी आर इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी. After that, we see the next definition, next parameter in that, that is the peak time, that is TP. Okay, what is the peak time? It is defined as the time required for the response to reach first maximum value or the peak value or peak overshoot of the time response. Okay, अभी peak time क्या होता है, जो भी अपना रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो रहा है, रीच हो रहा है, दैट इज द पीक ओवरशूट, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पीक टाइम. इसका फॉर्मूला है देखो, टी पी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी, नोट्स में देखने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है पीक ओवरशूट, दैट इज एम पी. ओके, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम पी से, पीक ओवरशूट. It is normalized difference between peak overshoot and the final steady state value of the time response. ये क्या है, final steady state value है time response की. Mathematically जो formula है उसका, percent overshoot is equals to maximum overshoot upon final value into 100. ये इसका formula है और detail में हम लोग notes में देखने वाले हैं. Percent MP is equals to CTP माइनस CSS अपॉन CSS इंटू 100. ओके, अभी CSS क्या है ये भी हम लोग नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में देखेंगे. अभी नेक्स्ट इसमें पैरामीटर है वो है सेटलिंग टाइम, दैट इज द TS. ओके, TS
It is defined as the time required for the response to reach stay within specified tolerance band, which is usually 2% to 5% of its final value. यहाँ पे TS देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है. ये क्या है, जो भी आपका टाइम रिस्पॉन्स वेरी हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टे है, मीन्स इसमें ही वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, यही टॉलरेंस बैंड में वो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स दिखा रहा है अप टू 2% टू 5% में, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ द सेटलिंग टाइम. ओके, इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 1/ωn, दैट इज टी एस इज इक्वल्स टू 4 × t, और टी एस इज इक्वल्स टू 1/ωn. ओके, लास्ट पैरामीटर है, लास्ट डेफिनेशन है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर. इसको डिनोट करते हैं हम लोग ESS. ओके, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज डिनोटेड एज ESS. इट इज डिफाइंड एज एन एरर बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट. जो भी अपना एक्चुअल आउटपुट है और जो अपने को डिजायर्ड मीन्स चाहिए उसका जो क्या है उसमें जो एरर होती है. ओके, फॉर अ गिवन इनपुट एट अ टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, ये क्या होता है, इन्फिनिटी पे वेरिएशन होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर. जो भी एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट के बीच में जो भी एरर होगा वो. ओके, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है ESS इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी. ओके, तो ये हो गए सभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो गया. अभी हम लोग नोट्स फॉर्म में देखने वाले हैं. ओके, सी दिस इज TD इज द डिले टाइम, TR राइज टाइम, पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम. ओके, इन डिले टाइम ऑल मीन्स पहले हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं. इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स टू रीच द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट टाइम. ओके, ये TD का फॉर्मूला है 1+0.7, ये टो है आपका. ओके, अपॉन ओमेगा एन. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन किसी, नेक्स्ट इट इज द राइज टाइम फॉर द ओवर डैम सिस्टम. इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 10 to 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल अटेम्प्ट. ओके, और अंडर डैम में क्या होता है, फॉर अंडर डैम सिस्टम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, और ये फॉर्मूला है राइज टाइम का, TR इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी. ओके, नेक्स्ट है पीक टाइम, दैट इज TP. इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स. फॉर्मूला TD इज इक्वल्स TP इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी. ओके, पीक ओवरशूट है, डिनोटेड एज MP. इट इज नॉर्मलाइज डिफरेंस बिटवीन पीक ओवरशूट एंड फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स. ओके, पीक ओवरशूट का फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम ओवरशूट अपॉन फाइनल वैल्यू इनटू 100. उसको मैथमेटिकल में लिखते हैं CTP माइनस CSS अपॉन CSS इनटू 100. नेक्स्ट है सेटलिंग टाइम, देखो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड विच इज यूजुअली 2% to 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू. TS टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम. फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 1/ωn, TS इज इक्वल्स टू 4 × t. TS है 4/ωn. ओके, आज डेफिनेशन है देखो, स्टेडी स्टेट एरर डिनोटेड एज ESS. इट इज डिफाइंड एज द एरर बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट एज अ टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, ESS का फॉर्मूला है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज R ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी. ओके, यहाँ पे नोट्स फॉर्म में भी एक्सप्लेनेशन हो गया है. सो थैंक यू.